आज की तारीख में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस साल इंडिया में 2,75,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके हैं, और जाहिर सी बात है अगर मार्केट इस रेट पर ग्रो हो रहा है तो इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटर कॉर्प इस मार्केट में ज़रूर एंटर करेंगी। तो आज हम चला रहे हैं इनकी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर द वीडा V1। वीडा एक स्पैनिश वर्ड है और इसका मतलब है लाइफ। स्कूटर को गौर से देखें तो आपको हीरो मोटोकॉर्प की ब्रांडिंग कहीं पर नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वीडा अपने आप में एक अलग वर्टिकल है और ये हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिवीजन है। आज हम वीडा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पेक V1 प्रो को चला रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर V1 प्लस वेरियंट में भी उपलब्ध है और उस स्कूटर का बैटरी रेंज प्रो वेरियंट से कम है। और अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए वीडा V1 के डिज़ाइन के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स डिज़ाइन को अब तक आप देखेंगे तो कुछ स्कूटर्स फ्यूचरिस्टिक दिखती है जैसे एथर 450X, और कुछ स्कूटर्स ट्रेडिशनल दिखती है जैसे TVS की iQube। अब हीरो की वीडा V1 को देखेंगे तो इसमें फ्यूचरिस्टिक और ट्रेडिशनल डिज़ाइन क्यूज दिखेंगे। आगे लगा फ्रंट एप्रन काफ़ी शार्प और फ्यूचरिस्टिक दिखता है, और इसमें लगा LED हेडलाइट मुझे काफ़ी पसंद है विद द स्प्लिट LED DRLs। साइड प्रोफाइल एक कन्वेंशनल स्कूटर की तरह है एंड यू गॉट दिस वी शेप साइड पैनल जो अच्छा दिखता है, लेकिन टेल सेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है। टेल सेक्शन के ब्लैक टॉप प्लास्टिक पोर्शन कुछ एंगल से अच्छा दिखता है और कुछ एंगल से देखे तो थोड़ा और दिखता है। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ लोगों को टेल सेक्शन का डिज़ाइन शायद से पसंद आएगा। इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट की गई है और टेल लाइट के LED एलिमेंट्स भी अच्छे दिखते हैं। ओवरऑल स्टाइलिंग के मामले में वीडा V1 बाकी स्कूटर से अलग दिखती है और फ्लोटिंग पैनल्स का इफेक्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन स्कूटर में लगे कुछ प्लास्टिक पैनल्स और स्विचेस की क्वालिटी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस टैग। वीडा का कहना है कि प्लास्टिक्स की क्वालिटी प्रोडक्शन स्कूटर में इम्प्रूव हो सकती है क्योंकि हमारा टेस्ट स्कूटर एक प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप है। तो वीडा V1 दिखने में एक बहुत बड़ी स्कूटर है, तो जाहिर सी बात है डायमेंशंस भी बड़े हैं। अगर आप देख सकते हैं तो मैं काफ़ी कंफर्टेबली स्कूटर पे बैठा हूँ, सीट बड़ा है, पिलियन के लिए भी सीट की जो स्पेस है वो काफ़ी है, और हैंडल बार की पोजीशन ऊंची है, तो जब आप टर्न्स ले रहे हैं तो ये हैंडल बार आपकी नीज से अड़ेगी नहीं। तो अगर आपका कद 6 फुट के करीब है तभी भी आपको इस स्कूटर की एर्गोनॉमिक्स काफ़ी कम्फर्टेबल लगेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट है क्योंकि एक फैमिली में मौजूद सभी सदस्य, चाहे बच्चे या बुजुर्ग, सभी को ये एक स्कूटर स्पेशियस और कंफर्टेबल लगेगा। अब फीचर्स को देखते हैं तो वीडा V1 प्रो काफ़ी वेल इक्विप्ड है। स्कूटर में मौजूद है ऑल LED लाइट्स, कीलेस इग्निशन और कलर टच स्क्रीन TFE डिस्प्ले। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन भी मिलेगा। हमारे टेस्ट के दौरान स्क्रीन में कोई लैग के इश्यूज नहीं आए और कड़ी धूप में डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी थी। आज की तारीख में वीडा V1 इज़ द ओनली स्कूटर जिसमें आपको रिमूवेबल बैटरीज मिलती है, और वो काफ़ी कन्वीनियंट है। आप बैटरीज को इस तरह यहाँ से खींच सकते हैं और हर बैटरी का वेट 11 किलोज है, और रिकनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इसे स्लॉट में डालना है। वीडा V1 अपने प्राइस बैंड में एक लौती स्कूटर है जिसमें आपको रिमूवेबल बैटरीज मिलती है। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है, स्पेशली उन जगहों पर जहां पार्किंग लॉट में पोर्टेबल चार्जर कनेक्ट करने के लिए कोई प्लग पॉइंट मौजूद नहीं है। पते की बात यह है कि दोनों बैटरीज इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो आप एक बैटरी पर भी इस स्कूटर को चला सकते हैं। पर हाँ, इससे आपकी बैटरी की रेंज ऑब्वियसली घट जाती है और टॉप स्पीड भी 50 किलोमीटर के आसपास हो जाती है इंस्टेड ऑफ द 80 KPH टॉप स्पीड। स्पीकिंग ऑफ बैटरी, V1 Pro का टोटल बैटरी कैपेसिटी 3.94 किलोवाट आवर्स है और क्लेम रेंज 165 किलोमीटर्स है। अब हीरो के टेस्ट ट्रैक पर हम इस स्कूटर के रेंज को टेस्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन रियल वर्ल्ड में आप सिंगल चार्ज में लगभग 120 या 130 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, बैटरी डिप्लीट होने पर इससे 80% तक चार्ज करने के लिए 5.5 घंटे लगते हैं। अब बात करते हैं इसके स्विंगर माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर की। ये IP68 रेटेड मोटर की पीक आउटपुट 6 किलोवाट है और कंटिन्यूस आउटपुट 3.9 किलोवाट्स है, जो एथर 450X और बजाज चेतक से मिलती जुलती है। वीडा में 4 राइड मोड्स है, इको, राइड, स्पोर्ट और कस्टम, जिससे आप स्कूटर के परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकते हैं।
इको मोड जाहिर सी बात है स्लोएस्ट मोड है, लेकिन इस मोड में भी स्कूटर लगभग 50 किलोमीटर तक बड़े आराम से चलता है। और देखा जाए तो शहर में आप लगभग इसी स्पीड पर स्कूटर को ज़्यादातर सिचुएशंस में चलाएंगे। इको मोड की एक खास बात यह है कि अगर आप एक्सेलरेटर को पूरी तरह ट्विस्ट करें तो स्कूटर ऑटोमेटिकली स्पोर्ट मोड में चली जाती है और एक्सेलरेशन तेज़ हो जाती है। तो मान लो अगर आप इको मोड में एक फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं और आपको आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो आपको सिर्फ एक्सेलरेटर ट्विस्ट करके ज़्यादा परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। राइड और स्पोर्ट मोड में जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन और बेहतर है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का कहना है कि V1 Pro 0-40 kph बस 3.2 सेकंड में पार कर सकता है और V1 Plus को इसी स्पीड को पार करने में 3.4 सेकंड लगेंगे। स्कूटर की टॉप स्पीड 80 kph है तो ज़्यादातर लोगों को ये ठीक लगेगा, लेकिन परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट को शायद ये कम लगे, और अगर टॉप स्पीड 100 kph होती तो उन्हें ये बात पसंद आती। फिर भी देखा जाए तो इंडियन हाईवेज पर 80 kph की टॉप स्पीड काफ़ी है। वीडा V1 Pro में लगे क्रूज कंट्रोल फीचर भी काफ़ी उपयोगी है, जिससे आप बिना एक्सेलरेटर दिए स्कूटर की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल फीचर आप 30-70 kph की रफ्तार तक एक्टिवेट कर सकते हैं। अब वीडा के इंजीनियर्स ने पैकेजिंग काफ़ी अच्छी तरह से की है, तो भले यहाँ पर बैटरीज लोकेटेड है और मोटर यहाँ स्विंग आर्म पर लोकेटेड है, फिर भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो हीरो के CIT टेस्ट ट्रैक पर हमें ये पता लगा कि हैंडलिंग काफ़ी न्यूट्रल है, प्रेडिक्टेबल है, तो स्कूटर को टर्न करने में या डायरेक्शन चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रेकिंग के मामले में भी स्कूटर काफ़ी हद तक अच्छी है, लेकिन पीछे लगे ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक होता तो ब्रेकिंग बेहतर हो सकती थी। स्कूटर में लगा टेलीस्कोपिक फोक और मोनोशॉक की सेटिंग अच्छी हैंडलिंग के साथ राइड क्वालिटी को भी ध्यान में रखकर बनी है। टेस्ट ट्रैक के छोटे बम्प्स पर हमें राइड कंफर्टेबल लगी, लेकिन असली टेस्ट तो हमारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ही होगा। अंत में वीडा V1 की प्राइसिंग काफ़ी प्रीमियम है। वीडा V1 Plus की कीमत ₹1.45 लाख है और V1 Pro की कीमत ₹1.6 लाख है। तो देखा जाए तो इस समय ये भारत की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। क्योंकि इस स्कूटर को हीरो मोटोकॉर्प ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है हमें इसे काफ़ी उम्मीद थी, और कुछ उम्मीदों पर यह स्कूटर ज़रूर खरी उतरी है। स्कूटर की स्टाइलिंग मुझे अच्छी लगी फॉर द मोस्ट पार्ट। बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है कुछ एरियाज में, लेकिन ये एक प्री प्रोटोटाइप स्कूटर है, तो प्रोडक्शन स्कूटर कैसी रहेगी वो हम चलाकर बताएंगे क्वालिटी के बारे में। रिमूवेबल बैटरीज एक बहुत अच्छा और कन्वीनियंट फीचर है। मैं मुंबई में रहता हूँ तो स्पेस की बहुत कमी है, चार्जिंग लोकेशन सेटअप करना बहुत मुश्किल है, उस वजह से अगर आपके पास रिमूवेबल बैटरीज है तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। लेकिन हमने इस स्कूटर को सिर्फ हीरो के टेस्ट ट्रैक पर चलाया है, तो फुल वर्डिक्ट के लिए हमें स्कूटर को रियल वर्ल्ड में चलाना होगा।